नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजन तिवारी और आप देख रहे हैं ज्योतिष मंत्र। जैसे कि आपको मालूम है कि इस समय नवरात्र चल रहे हैं और सभी लोग नवरात्र में माँ दुर्गा की अलग अलग तरीके से उपासना करते हैं, माँ दुर्गा की अलग अलग तरीके से पूजा पाठ करते हैं। तो इसमें एक क्रम ये भी आता है कि बहुत सारे लोग दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं, लेकिन ये मैं आपको बताना चाहता हूँ कि दुर्गा सप्तशती का पाठ हर कोई नहीं कर सकता। सबके लिए दुर्गा सप्तशती का पाठ करना वर्जित है। अब ध्यान रखें कि अगर और खासकर महिलाओं के लिए ये बहुत ज़्यादा वर्जित है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ सभी महिलाओं के लिए वर्जित है, लेकिन महिलाओं को बहुत ध्यान देना चाहिए अगर वो दुर्गा सप्तशती का पाठ कर रही। तो पहली बात तो ये कि दुर्गा सप्तशती का अगर कोई महिला पाठ कर रही है तो उनको 50 ईयर के बाद ही पाठ को शुरू करना चाहिए। इसका कारण ये है कि जब भी उनका जो मंथ साइकिल है वो ख़त्म हो जाए इसके बाद ही उन्होंने सप्तशती का पाठ करना चाहिए, अदरवाइज नहीं करना चाहिए। दूसरी बात ये कि जो महिलाएं ब्राह्मण कुल में पैदा हुई है और ब्राह्मण कुल में ही उनकी शादी हुई है उन्हीं को ये दुर्गा सप्तशती का पाठ करना चाहिए, बाकी लोगों को नहीं करना चाहिए। ऐसा शास्त्रों में लिखा है, ये मैं शास्त्र की बात बता रहा हूँ, बाकी आपके ऊपर है आप करना चाहे या नहीं करना चाहे। लेकिन उसका एक रास्ता ज़रूर मैं बताना चाहता हूँ कि अगर दुर्गा सप्तशती का पाठ, क्योंकि थोड़ा बड़ा भी होता है, बहुत लंबा, क्योंकि आपको मालूम है 13 उसमें अध्याय होते हैं और उसमें कवच और सिद्ध कंजी का स्त्रोति बहुत सारी चीज़ें होती, मिला के बहुत सारा बन जाता है। तो अगर आपके पास इतना टाइम नहीं हो और फिर भी आप उतना ही फल लेना चाहते हैं जितना कि दुर्गा सप्तशती के पाठ से इसका फल मिलता है, उतनी फल अगर आप लेना चाहते हैं तो एक दूसरी उपाय है जिसके थ्रू आप उतना ही फल यानी कि उतना ही पुण्य कमा सकते हो जितना कि आप दुर्गा सप्तशती के पाठ से कमाते हो। वो क्या है वो मैं आपको इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि सभी लोग इस दुर्गा सप्तशती का पाठ नहीं कर सकते, कौन कौन नहीं कर सकते ये भी मैंने आपको बता दिया। लेकिन फिर भी अगर आप करना चाहें दुर्गा सप्तशती का पाठ नहीं बल्कि उसका जो अल्टरनेट है वो मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए मेरे हाथ में इस समय देख रहे हैं रामायण रखी है, रामायण मीन्स रामचरित मानस रखा है। इस रामचरित मानस के ही कुछ चौपाई है जो मैं बताना चाहता हूँ। उस चौपाई को अगर 7 चौपाई है टोटल, अगर उस चौपाई का अगर पाठ कर लेते हो तो वो दुर्गा सप्तशती के पाठ के बराबर है। अब इसमें चौपाई कौन सी है, बालकांड, जो रामचरित मानस का बालकांड है उसका 234वें दोहे के बाद। अब मैं ध्यान रखिए किसी रामायण में आपको 234वें दोहे के बाद मिलेगा, किसी में आपको 235वें दोहे के बाद मिलेगा। वो चौपाई कौन सी वो मैं बता दूंगा तो आप आराम से ढूंढ लोगे 234 या 235 के बाद वाले। मेरे पास जो रामचरित मानस है उसमें ये चौपाई 234वें दोहे के बाद दी है। किसी किसी रामचरित मानस में ये 235वें दोहे के बाद दी है, ठीक है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वो चौपाई कौन कौन सी है, ठीक है। ये जो मेरे पास रामचरित मानस है उसमें ये जो चौपाई है वो 234वें दोहे के बाद पांचवी चौपाई से शुरू हो रही है। पांचवी चौपाई क्या है, जय 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 गिरि राज किशोरी, यहाँ से ये शुरू हो रही है और ये जाएगी देख पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होई सुखारे, यहाँ तक ये। मैं आपको स्क्रीन पे भी इसका इमेज डाल दूंगा, स्क्रीन पे भी मैं चौपाई को लिख के दे दूंगा, तो आप आसानी से समझ जाओगे कि कौन कौन सी चौपाई का पाठ आपको करना है। तो रामचरित मानस की ये जो 7 चौपाई है, इस चौपाई को अगर आप पढ़ते हो, इस रामचरित मानस की ये जो 7 चौपाई है इसका अगर पाठ करते हो तो इसका पाठ का भी वही पुण्य मिलता है, वही आपको फल मिलता है जो सप्तशती के पाठ से मिलता है। क्योंकि सब लोग सप्तशती का पाठ नहीं कर सकते, आपको मालूम है सप्तशती बहुत कठिन भी है, उसकी संस्कृत कठिन है, उसको पढ़ना सबके लिए आसान नहीं होता है। इसलिए दूसरी बात यह कि सभी लोग के लिए वर्जित भी है। तो अगर आप उतना ही फल आप लेना चाहते हैं, क्योंकि इस समय आप नवरात्र का व्रत आप कर रहे होंगे और आप चाहते हो कि सप्तशती के भी पाठ किया जाए, तो वो ना करके या उसको अवॉइड करके आप रामचरित मानस की चौपाई भी पढ़ सकते हो और उतना ही फल इसका मिलने वाला है। क्योंकि बहुत से संत महात्मा इसके बारे में बता चुके हैं कि अगर सप्तशती नहीं पढ़ सकते या सप्तशती आपका पढ़ना वर्जित है तो आप रामचरित मानस की 7 चौपाई जरूर पढ़ सकते हो, उनको जितना फल उससे मिलेगा उतना ही फल इससे भी मिलेगा। तो आशा करता हूँ कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर ये जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल ज्योतिष मंत्र को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नए विषय के साथ, तब तक आप रहिए खुश और मुझे दीजिए आज्ञा। जय हिंद।